नमस्कार, करवा चौथ चांद की रात में स्वागत है आप सभी का। यूं तो चांद हर रोज निकलता है, लेकिन साल में एक दिन एक ऐसा चांद भी निकलता है जो सुहागिनों के सिंदूर के लिए शुभता की चांदनी लेकर आता है। इस साल ये चांद निकलेगा 8 अक्टूबर की रात। क्या शुभ समय होगा, क्या मुहूर्त होगा और किस विधि विधान से आपको करना है इस चांद का दीदार, तमाम बातें बताने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम करवा चौथ चांद की रात। मैं हूँ स्मिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर वाई राखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राखी जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं राखी जी के माध्यम से कि इस करवा चौथ यदि आप कुछ खास उपाय करें तो लंबी उम्र के साथ साथ आप अपने पति के लिए और कौन सी कामनाओं की पूर्ति कर सकती हैं। राखी जी, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है, लेकिन ऐसी औरतें या ऐसी महिलाएं जो पहली बार ये व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए भी बताएं कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है, कहाँ से इस परंपरा की शुरुआत हुई, किस विधि से ये शुरुआत से मनाया गया। बहुत लाखों वर्षों पहले आपने अगर सुना हो कि सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे और वो जो है यमराज के पीछे जाने लगी कि मेरे पति को छोड़ दो, तो यमराज छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने पानी जल सब त्याग दिया। जब उन्होंने त्याग दिया तो भगवान को उन पर दया आ गई उनके भाव के लिए, क्योंकि उस टाइम पर भक्ति ऐसी हुआ करती थी, मन भी सच्चा हुआ करता था। उसी टाइम से ये बात मान ली गई कि अगर पत्नी करवा चौथ पर, इस चौथ की रात पर, कार्तिक मास की चौथ पर अगर व्रत रखती है और चंद्र दर्शन करती है तो निश्चित रूप से पति की आयु लंबी होती है। तो ये कथा वहां से चलती आ रही है। जी राखी जी, करवा चौथ के व्रत की जो कहानी है उसका बहुत महत्व है। औरतें जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, बहुत सज संवर के करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने जाती हैं। अगर यही कथा आप उन्हें सुनाएं तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारे दर्शकों को विस्तार से एक बार करवा चौथ के व्रत की कहानी भी सुनाएं। देखिए, कथा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले गणपति को मेरा प्रणाम। कोई भी कथा करने से पहले हमें गणेश नाम जरूर लेना चाहिए, गणपति की पूजा करनी चाहिए। सात भाइयों की एक बहन थी और भाइयों ने उसके लिए अच्छा सा राज्य के अंदर लड़का ढूंढना शुरू किया। बड़े अच्छे राज्य में एक लड़का मिला, उसका विवाह कर दिया गया। विवाह करके जब बहन गई तो एक साल बीता। एक साल बीतने के बीच में करवा चौथ आया, बहन वापस अपने मायके आई। क्योंकि एक बात समझिए, पहला करवा चौथ हमेशा मायके में ही मनाया जाता है, ये रिवाज सभी के यहाँ पर एक बराबर है। उसके बाद जब बहन आई तो भाइयों ने देखा सुबह से भूखी है, प्यासी है, पति की लंबी उम्र के लिए रख रही है, बचपन से तो हमने इसे पाला है, क्योंकि बहन सबसे छोटी थी सातों में। तो उन्होंने सोचा इसका व्रत खुलवाया जाए, लेकिन बहन बार बार जिद कर रही है कि चांद निकलेगा तभी व्रत खोलूंगी। इतने में क्या हुआ, एक भाई छत पर गया, बहुत सारी फूस घास ले गया, उसने आग लगाई और छन्नी रख दी, और दूसरा भाई बहन को ले आया, उसने बोला ले चांद निकल गया देख ले। बहन ने भी फटाफट चांद देखा, भाई पति की तस्वीर देखी और खाना खाने भाइयों के साथ बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, पहले कौर में बाल निकल गया, उसने उसे साइड रख दिया। दूसरा कौर खाने के लिए मुंह खोला, संदेशा भागकर आ गया, भाई आपके पति देव बीमार है, जल्दी घर चलिए। वो घर जाने के लिए भाइयों के साथ तैयार हुई। जब वहां पहुंची तो वहां एक पंडित बैठा था पति देव के पास में। तो ज्योतिष ने बोला बेटा तुमने जो है कच्ची जो अपनी जो चौथ है उसको खोल लिया है चांद देखे बिना, पति की इसलिए हालत खराब है। उसने अपने भाइयों की तरफ मुड़कर देखा तो भाई शर्मसार हो गए, उन्होंने सर झुका लिया, उन्होंने कहा चांद निकला नहीं था। तो पति को हो गई कांटों वाली बीमारी, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए। उसने ज्योतिष के कदमों में गिरकर कहा अब मैं क्या करूं गुरुजी। उन्होंने कहा पूरे साल चौथ आती है, चौथ का व्रत रखो, चंद्रमा की पूजा करो, गणपति का नाम लो। क्योंकि गणपति का नाम इसलिए लो क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। ठीक है, चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होने की वजह से उनकी पूजा होती है। और ये जो चतुर्मास के ये सावन के महीने से शुरू होता है और कार्तिक में ये जो है पूजा आती है हमारी करवा चौथ की। तो कार्तिक के महीने में की जाने वाली ये पूजा, चौथ में गणपति की पूजा की जाती है। उसने पूरे साल व्रत रखा, पूरा साल बीता और उसने वापस से करवा चौथ का व्रत आ गया। वो बड़ी खुश हुई क्योंकि हर महीने वो चौथ रखती थी और अपने पति के कांटे निकालती रहती थी। अब मात्र दो कांटे रह गए थे जो आंखों में थे। उसने सोचा मैं फटाफट भागकर जाती हूँ और अपना पूरा श्रृंगार का सामान लाती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार करने होते हैं पति के लिए। वो आपने गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो उसने क्या किया, वो भागकर सामान लेने गई। इतनी में वहाँ पर कामवाली नौकरानी काम कर रही थी, उसके मन में लालच आ गया कि अगर मैं इसके दोनों आंखों के कांटे निकाल दूँ तो मैं रानी बन जाऊँगी और ये मुझे ही समझेगा कि मैंने साल भर इसकी सेवा की। नौकरानी ने क्या किया, पति के दोनों आंखों से कांटे निकाल दिए। पति ने पूछा तू कौन, तो बोली मैं तो गोली, गोली मतलब नौकरानी। तो बोला मेरी रानी कहाँ है, बोले वो तो बाजार घूम रही है, उसने तो कभी तेरी सेवा भी नहीं की, साल भर से मैं ही तेरी सेवा कर रही हूं। पति को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कितनी अच्छी है, इसने कहा आज से
जो रानी है वो इस घर की नौकरानी है, और जो नौकरानी है वो आज से इस घर की रानी, मैं तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। जब पत्नी वापस आई तो उसने देखा कि बड़े आराम से यहाँ पर तो नौकरानी बैठी हुई है। उसे बड़ा बुरा लगा, उसने कहा कि ये क्या है। तो उसने बोला, तू निकल जा दुष्ट, इसने मेरी सेवा की है। उसने अपने पति को एक शब्द नहीं कहा। पत्नी घर से बाहर निकल गई, 16 श्रृंगार का सामान लाई थी, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, पार्क में गई। उसी टाइम से ये पार्क में बैठ कर कहानी कथा करने की जो रिवाज है ये शुरू हुआ। उस समय करीबन दोपहर के 4 बज रहे थे। उसने अपनी सहेलियों को अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई। पति ने वो कहानी खिड़की पर खड़े होकर सुन ली और उसकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया। किस वजह से? गणपति की कृपा की वजह से। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ भक्ति आप करते हो तो कभी खाली नहीं जाती। उसने क्या किया, उसने वापस अपनी पत्नी के पास गया, उसे माफी मांगी। तो जो नौकरानी थी वो वापस नौकरानी हो गई और जो रानी थी वो वापस से रानी बन गई। तो हे करवा चौथ मैया, हे करवा चौथ देवता, हे चांद देवता, मैं अपने पति की सदैव रानी रहूं, वो मेरे दिल के सदैव राजा रहें। ये है करवा चौथ की कहानी। तो आप जरूर इस कहानी को सुनिए अपनी सहेलियों के साथ। और करवा चौथ की कहानी से एक बात पता चलती है, मर्द आदमी उसकी नेचर होती है, उसे हमेशा पत्नी दूसरे की और औलाद अपनी पसंद आती है। तो अगर आपके पति को भी मन है बाहर कहीं जाने का और वो उनका कहीं चक्कर चल रहा है या उनकी लाइकिंग हल्की फुल्की कभी कहीं पर भी है, तो याद रखिए करवा चौथ की थालियां घूमती हैं, 10 औरतों के हाथ में जाती हैं। सोसाइटी की 15 औरतें बैठी होती हैं, 15 हाथों में वो थाली जाती है। थाली का मतलब आपका पति स्वरूप, अंत में जिसकी थाली है उसी के पास आती है। अब कहीं भी जा रहे हैं जाने दीजिए, कहीं भी जा रहे हैं जाने दीजिए, रहेंगे वो आपके पति ही। सही कहा राखी जी ने। और फिर भी अगर आपको शंका है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ नहीं है, तो इस करवा चौथ आप क्या ऐसे उपाय कर सकती हैं कि आपको आपके पति का प्यार उम्र भर के लिए हासिल हो, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं लाल रंग का महत्व। राखी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आधुनिकता की दौड़ में हम मॉडर्न बहुत हो गए हैं, हर रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो लाल रंग को दिया जाता है। हम ज़्यादातर औरतों को देखते हैं लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, लाल रंग का अलता पैरों में लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं। लाल रंग को बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है, लाल रंग को इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं जैसा फैशन चल रहा है, काले रंग का भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि काले रंग की मनाही होती है। लाल रंग के महत्व का क्या विधान है और काले रंग को क्यों मना किया जाता है, वो भी बताएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने बेटा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, लाल रंग चूड़ियों का रंग है, लाल रंग सिंदूर का रंग है, लाल रंग शेरा वाली शक्ति का रंग है, लाल रंग प्यार का रंग है। गुलाब का भी लाल ही रंग होता है। और कहते हैं ना, किसी को देखकर शर्मा के मुंह इसका एकदम से लाल हो गया, वो भी लाल रंग ही है। ठीक है, तो लाल का महत्व तो बेहद ज़्यादा है। पुराने ज़माने से हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, जब लड़की का विवाह हो तो सिवाय लाल रंग के कपड़ों के उसे कोई और कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो विधान है लाल रंग के कपड़ों का। लाल रंग हमारे यहाँ बेहद शुभ माना जाता है, मैंने आपको प्रतीक बता दिया। सूर्य की किरणों का रंग भी लाल होता है। तो लाल रंग बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक है, सिंदूर का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, सक्सेस का प्रतीक है। तो हमेशा आपको करवा चौथ पर लाल रंग ही पहनना चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आजकल काले रंग का भी होता है। काला रंग मना किया जाता है शनि की वजह से। काला रंग ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिसमें जब पति नहीं रहता संसार में तो काला रंग पहन लिया जाता है या सफेद रंग पहन लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, काले रंग का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शनि का प्रतीक है, आपकी नेगेटिविटी का प्रतीक है। अंधेरे में रोशनी की जरूरत क्यों होती है, रही अंधेरे में लाइट हमें क्यों चाहिए। मतलब काले रंग में दिल घबराता है ना, नेगेटिविटी आने लगती है। तो इतने खूबसूरत दिन जहां पति की लंबी उम्र के लिए, अपने रिश्तों को मधुर करने के लिए व्रत रखनी है, वहां प्लीज काले रंग का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही कहा राखी जी ने कि काले रंग का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। मॉडर्निटी का ज़माना है, बहुत आधुनिक हम हो चले गए, लेकिन सोच आधुनिक भले हो, काले रंग के इस्तेमाल से करवा चौथ के दिन आपको ज़रूर बचना चाहिए। राखी जी, अभी आपने कहा कि खुले में सुनी जाती है कथा, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ औरतें घर के ही आंगन में, जिसमें छत खुली भी नहीं होती, वहाँ कथा सुन लेती हैं, क्या वो सही है? क्यों सुनती हैं? आपने इस बात पे गौर फरमाया, क्योंकि पड़ोस में कौन रहता है ये पता नहीं, ईगो नाक से ज़्यादा ऊपर हो गई है, हमें किसी से रिश्ता रखना नहीं है। अब करवा चौथ पे जब हम दुआ सलाम पूरे साल किसी से नहीं कर रहे, तो करवा चौथ में हम किसे जानेंगे। हम मंदिर कभी बिना मतलब के जाते ही नहीं है। जिस दिन हमारा इंटरव्यू होता है या बच्चे का स्कूल में एग्ज़ाम होता है, तब हमें खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह जीजस याद आते हैं। तो हम लोग बहुत खुदगर्ज, मतलबी और सेल्फिश हो चुके हैं। कमरे के अंदर बैठ के कथा सुनना वर्जित है, थाली घुमाना कंपलसरी है, आपका करवा अपने साथ रखना जरूरी है। इसलिए मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी, इकट्ठे होकर ही पूजा कीजिए जी। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको करवा चौथ के व्रत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस व्रत में मिट्टी के करवे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम करवा चौथ चांद की रात में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं तमाम बातें डॉक्टर वाई राखी के माध्यम से करवा चौथ के बारे में। आपको बताइए राखी जी ने करवा चौथ के व्रत की क्या कहानी है वो आपको विस्तार से बताई, साथ ही आपको ये बताया कि लाल रंग का क्यों महत्व होता है और काले रंग की क्यों मनाही होती है। और चलिए अब राखी जी से जान लेते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। राखी जी, अगर कोई महिला है या कोई लड़की है शादी के बाद पहली बार वो करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है, तो सर्गी से लेकर पूरा व्रत संपूर्ण करने तक क्या विधि होनी चाहिए पूरी पूजा की, वो भी बताएं। करवा चौथ के बारे में एक बार समझ लीजिए कि ये व्रत टोटल जुड़ा हुआ है सासू माँ से। ये जो सांसें हमारी आ रही हैं जा रही हैं हमारे पति के साथ जुड़ जाती हैं, ये सब कुछ हमारी सास के साथ जुड़ा है। आपके मन का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, पैर की पायल, सब सास देती है। तो हर किसी के यहाँ पर करवा चौथ को रखने की विधि अलग है, तरीका अलग है। कहीं सर्गी खाई जाती है, कहीं नहीं खाई जाती, कहीं सास सर्गी देती है, कहीं मायके से सर्गी आती है। तो अगर आपको इसकी विधि समझनी है तो पहले इस व्रत को रखने की परमिशन सासू माँ से लें, उसके बाद उनसे पूछें, उनके आगे नमन करें कि मुझे आप सर्गी दें। वो जो सर्गी दें वो सुबह 4 बजे उठकर आप खाएं, अगर सर्गी खाने का रिवाज आपके घर में है तो, नहीं तो आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। अब क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सर्गी खाई जाती है, क्योंकि ये चल रहा है कार्तिक मास, और कार्तिक मास में आप कार्तिक नहाते हैं वो सुबह 4 बजे नहाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें मिली हुई हैं, समझ में आ रही हैं, सब चीजें आपस में बहुत बढ़िया हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए आपकी सासू माँ आपको बताएंगी। कई सासू माँ हैं जो कथा सुनने के लिए पार्क में भेजती हैं, कई कहती नहीं हमारे यहाँ कथा सुनने का रिवाज नहीं है, ये आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। कई सासू माँ कथा सुनने के बाद चाय और पानी पिला देती हैं, नींबू पानी दे देती हैं, तो कई कहते हैं नहीं भूखी प्यासी रहो, चांद देख कर ही खाना, मेरी सास ने ऐसा रखवाया था। तो ये एक ऐसा नियम है जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता, आपके परिवार वंश बाय वंश चलता है। तो इसकी विधि के लिए आप अपनी सासू माँ से कांटेक्ट करें, उनकी बातों को सुने। हाँ, वो जो कह रही है उसमें काट छाट करने की जरूरत नहीं है, उसे पूरी तरह से दिल से फॉलो करें, रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करें। करवा चौथ का मतलब सजना सवरना, नए कपड़े, मेहंदी बिंदी, खूबसूरत दिखना, पार्लर जाना कतई नहीं है। करवा चौथ का मतलब है सास के साथ रहना। करवा चौथ के व्रत में दोपहर को नहीं सोते, आप अपने घर में खाना बना रही हैं तो सासू माँ के साथ मिलकर और उनकी पसंद का खाना बनाएं, उनको भोजन कराकर ही भोजन खोलें। ये कुछ टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ। बहुत अच्छी एक बात कही है आज राखी जी ने कि जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे, करवा चौथ का व्रत सब सोचते हैं पति के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन पति की माँ का सम्मान उससे भी ऊपर होता है। तो सास को जरूर प्रसन्न करें इस करवा चौथ, आप ये ध्यान रखें कि सास का आशीर्वाद लेना आप बिल्कुल ना भूलें। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि हर व्रत रखने का क्योंकि रिवाज है, कुछ लड़कियाँ कुंवारी लड़कियाँ भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्या वो सही है? अगेंस्ट, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं शास्त्र भी अगेंस्ट है। आप कुंवारी हैं तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर आप आधी शादीशुदा हो चुके हैं, ये आधी शादीशुदा क्या होता है, आपकी सगाई हो गई है, आपका रोका हो गया है, आपके पास पति देव हैं जो होने वाले हैं, सासू माँ हैं जो कुछ दे सकती हैं, तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन ना आत्या है ना पता है, उसे कहते हैं घर में नहीं दाने अम्मा चली पकाने, तो व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए ये कतई नहीं है। ऐसा करने से आपका विवाह और भी लेट होगा। यानी अगर आप किसी के साथ संबंध में बंध चुकी हैं, आपकी सगाई हो चुकी है, तो आप ये व्रत कर सकती हैं, नहीं तो आपको व्रत नहीं करना। अगर आप किसी से प्यार भी करती हैं तो भी ये व्रत नहीं कर सकती। सगाई में या रोके में जुड़ना जरूरी है, मतलब कहीं ना कहीं सास जुड़ जाए व्रत के साथ, क्योंकि मैं बार बार आपके दर्शकों को ये समझा रही हूँ कि सास का होना जरूरी है। भाई सास तो होगी ना, भले वो इस दुनिया में ना हो, कभी ना कभी आपके पतिदेव ने कहीं ना कहीं से तो जन्म लिया है, उसका कारक तो है, बीज तो है, तो आप तभी इस व्रत को रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, खासकर तब जब आपका संबंध नहीं है, आपकी सगाई नहीं हुई है, संबंध नहीं जुड़ा है, खासकर सास के साथ, तो आप करवा चौथ का व्रत बिल्कुल ना रखें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो हम देखते हैं, आजकल का चलन और पौराणिक जो चलन था उन्हीं में फ़र्क है कि पहले हम मिट्टी के जो करवे होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल धातु के करवे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग अपने रहन सहन के हिसाब से या अपनी क्षमता के हिसाब से सोने और चांदी के करवे भी इस्तेमाल करते हैं जिनमें जल चढ़ाया जाता है। मिट्टी के करवे करने चाहिए इस्तेमाल या सोने चांदी पीतल तांबे के? बहुत अच्छा सवाल है, आप तो सोने चांदी के कह रहे हैं, मैंने तो लोगों को हीरे के करवों में भी व्रत करते देखा है। बात क्या है कि हम आधुनिक हो गए हैं, बात क्या है हम व्रत नहीं करते, हम दिखावा करते हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि हर करवा चौथ नए कपड़े चाहिए, नई बिंदी चाहिए, नई चूड़ियाँ चाहिए। नहीं, करवा चौथ पे तो अपनी सुहाग की आपको वो ड्रेस पहननी चाहिए जिसमें आपने 7 फेरे लिए थे बार बार लगातार, पर अपनी सुहाग के कपड़ों को पहन के करवा चौथ करना चाहिए। नए कपड़े खरीदने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फैशन है। कतई ही किसी भी तरह के कलश का
करवे का इस्तेमाल नहीं होता एक्सेप्ट मंदिर, क्योंकि हमारा शरीर पंच धातुओं से बना है, उसमें एक मिट्टी और पानी है, मिट्टी का शरीर और उस मिट्टी के कलश में पानी, पानी से बना हमारा 70% शरीर, तो यही सही पूजा है, अदरवाइज गलत है जी। तो आप करवा चौथ पर जो इस्तेमाल कर रही हैं करवा, उसका खास ध्यान रखें कि धातु के करवे का आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी उठाया, राखी जी से इसलिए भी पूछा, क्योंकि आजकल 90% जो महिलाएं होती हैं वो धातु के ही करवे इस्तेमाल करती हैं करवा चौथ के व्रत के दौरान। तो याद रखें, मिट्टी के करवे और उसके अंदर जल, वही आपके लिए संपूर्ण करवा चौथ का व्रत है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी राखी जी, बहुत देर से हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस बार करवा चौथ का चांद कब होगा, उसका दीदार क्या मुहूर्त होगा, उसका क्या समय होगा जब औरतों को वो चांद दिखेगा। चांद निकलने का ना समय अब बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से पोल्यूशन है, जिस हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 8:25 के करीब चांद के हो सकते हैं दर्शन। लेकिन उससे ज्यादा खुशखबरी की बात तो ये है कि इस बार है संडे, आपका चांद आपके साथ पूरा दिन रहने वाला है, तो इसके लिए आप गॉड को थैंक यू जरूर बोलिए जी। गॉड को थैंक यू बोलिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और आपके पति की लंबी उम्र हो उसकी कामना भी कीजिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कुछ अचूक उपाय जो आपके पति को इस करवा चौथ लंबी उम्र के साथ साथ दे सकते हैं सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका करवा चौथ चांद की रात में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर वाई राखी के माध्यम से करवा चौथ के व्रत से जुड़ी तमाम खास बातें। और चलिए अब राखी जी से जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन यदि आप कुछ खास उपाय करें, कुछ खास चीजें अपनाएं, तो कैसे आप अपने पति को लंबी उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा दे सकती हैं, समृद्धि दे सकती हैं, वैभव दे सकती हैं, वो भी जान लेते हैं राखी जी से। राखी जी, अक्सर हम देखते हैं कि पति बीमार रहते हैं, कुछ स्त्रियों के साथ ये समस्या आम होती है, क्या वो इस करवा चौथ ऐसा उपाय कर सकती हैं कि उनके पति को निरोगी काया की प्राप्ति हो, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। देखिए, करवा चौथ में मैंने आपको पहले ही कहा कि हम इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो चुके हैं कि हम सिर्फ सजने संवरने में लगे रहते हैं। करवा चौथ रखें, पूजा पाठ करें और शुद्धता का ध्यान रखें, और इसके साथ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दान पुण्य करें, पति की नज़र उतारें, पति के साथ संबंधों को मधुर करें, कोशिश करें कि आप लोगों के बीच में उस दिन तू तू मैं ना हो, और व्रत रखकर आप उन्हें ताने ना दें, सुनाए ना मैं भूखी हूँ, मेरा ध्यान रखो, मेरा ख्याल रखो, इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पति की लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उम्र अपने आप ही लंबी हो जाएगी। उनकी नज़र उतारने के साथ साथ एक बात याद रखें कि अपने पति के सर पर से नारियल वार कर अगर आप बहते हुए जल में जल प्रवाह करें तो उनको अगर आने वाले टाइम में कोई दुर्घटना होने वाली है तो नहीं होगी, स्वास्थ्य खराब होने वाला है तो नहीं होगा। और उस दिन आपके पति देव भी काले कपड़े ना पहने, उसका रीज़न ये नहीं है कि करवा चौथ है, उसका रीज़न ये है कि उस दिन संडे है, और संडे का यानी कि सूर्य देव की बात की जाए तो लाल रंग होता है, और शनि उनका पुत्र है, शनि यानी कि काला रंग होता है, और पुत्र और पिता की बिल्कुल भी बनती नहीं है। अगर आपके पति देव उस दिन गलती से भी काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो आप लोगों की लड़ाई बहुत होगी जी। तो काले कपड़े आप तो पहने ही ना, साथ ही पति को भी मना करें कि वो भी काले कपड़े इस करवा चौथ ना पहने। तमाम बातें आपको राखी जी ने बताई, लेकिन धन हानि से कैसे बचा सकता है ये करवा चौथ आपके पति को, वो भी जान लेते हैं। राखी जी, धन हानि से बचाव के लिए भी करवा चौथ पर क्या कुछ ऐसा अचूक उपाय किया जा सकता है कि पति को बरकत की प्राप्ति हो, हानि एकदम दूर रहे उनसे? बरकत की प्राप्ति के लिए सबसे पहले पत्नी का स्वभाव बहुत जरूरी है। आज मर्द भी बाहर जा रहे हैं कमाने और औरतें भी जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आदमी घर से बाहर जाता है और घर के अंदर आता है तो दो चीजें हर घर में कॉमन है, हर 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 घर में। जाते वक्त सुनो आज तो जा रहे हो, शाम को आके पैसे दे देना, फीस देनी है, तुम्हारी माँ की दवाई लानी है, मैं तुम्हें फिर याद दिला रही हूँ, खटर भटर में नाश्ता, लड़ाई झगड़ा करके उस बंदे को आप घर से भेज रहे हो, क्या वो ऑफिस में परफॉर्मेंस देगा, क्या उसकी तरक्की होगी, क्या वो काम करेगा? पति को बताने के लिए, उसकी शिकायतें करने के लिए, गिले शिकवे करने का तरीका होता है। सपोज आपको एक मोटी औरत मिलती है और आप उसे बोलती हैं कितनी मोटी हो गई यार, कंट्रोल कर, कितनी गंदी लग रही है, कितना बुरा लगेगा उसे, बोलने का तरीका गलत है। अब कैसे बोला जा सके, कितनी सुंदर है तू, कितना खूबसूरत चाहे, थोड़ा सा वजन कम कर ले तो यार मजा आ जाए। अब चॉइस आपकी, आपको कैसे और किस भाषा में बात करनी है पति से जी। तो भाषा थोड़ी अलग होनी चाहिए, कहने का तरीका अगर आपका दूसरा होगा तो शायद सामने वाले को बात बुरी भी ना लगे और आपकी बात वहां तक पहुंच भी जाए। एक आखिरी बात राखी जी से जान लेते हैं कि पत्नी हमेशा ये चाहती है कि पति सिर्फ उसका रहे, क्या इस करवा चौथ आप कर सकती हैं कि आपके मन की ये शंका भी मिट जाए और उम्र भर के लिए आपका पति आप ही का हो जाए? राखी जी, करवा चौथ का व्रत पत्नियां रखती हैं पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन हमेशा मन में ये शंका कहीं ना कहीं औरत के रहती है कि उसका पति उसी का रहे, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि पति से बिछड़ जाएं या खटपट हो जाए, अनबन हो जाए, उनसे दूर हो जाएं।
अनबन ना हो, खटपट ना हो, सदा प्यार बना रहे दोनों के बीच और ये शंकाएं भी मन से मिट जाएं कि उनका पति उनका नहीं है। क्या इस करवा चौथ को उपाय करें? नहीं, कोई उपाय नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगी, उसमें ही आपको उपाय नजर आ जाएगा। पति हमारा ही होता है, 7 जन्मों के फेरे होते हैं, 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं, तभी ऊपर वाले ने हमारे जोड़े बना कर दिए होते हैं। जिस जोड़े को खुदा ने खुद बनाया है, उसे हम खुद अपनी गलत फहमियों से तोड़ते हैं। हर पत्नी के अंदर, शायद मैं भी पत्नी हूँ, मुझ में भी ये आदत हो, शक करने की आदत होती है। लेकिन कभी मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, कभी आपने बात देखी है कि पति पत्नी को छोड़कर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाता है या किसी और चीज़ के प्रति आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि उसे वो चीज़ घर में नहीं मिल रही होती, प्यार, मान सम्मान, इज्जत, टाइम, तब वो चीज़ को ढूंढने या तलाश करने बाहर जाता है। आप और मैं एकदम लेटेस्ट रिलीज होती हुई पिक्चर घर में नहीं देख सकते, हॉल में जाना ही पड़ेगा। आप सभी औरतें माँ बन जाती हैं, आप सास बन जाती हैं, आप कहीं ना कहीं भाभी बन जाती हैं, लेकिन पत्नी बनना भूल जाती हैं। याद है आपको अपने लास्ट अपने पति की फेवरेट साड़ी कब पहनी थी, लास्ट आपने उनसे डिमांड कब की थी कि तुम्हारे लिए आज क्या बनाऊं, यही है जो बना रही हूं वही खा लो। आप इस रिश्ते को हेल कर देते हैं, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, इसे खूबसूरत ही रहने दें। आधुनिकता की दौड़ में आप भले भागें, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध है उसे मधुर हमेशा बनाए रखें, तभी आपकी ज़िंदगी भी स्वर्ग जैसी होगी। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको और आपके सभी दर्शकों को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, तो दोस्तों फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।